हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, राधा अष्टमी है तो हम उनका जो सामान होता है, फूल मिठाई वगैरह, वो लेने जा रहे हैं मार्केट। यहाँ पे हमारी सोसाइटी से पास में, सबसे पास में कासने मार्केट है, वहीं पे हम जा रहे हैं। यहाँ से वो लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो हमें कुछ सामान लेना होता है तो हम वहीं पे, वैसे और भी मार्केट है यहाँ पे आसपास, लेकिन वो सबसे नज़दीक है। तो हम अभी जा रहे हैं, और जो लोग भी यहाँ पे आना चाहते हैं तो सबसे जब बड़ा उनका क्वेश्चन होता है वो मार्केट को लेके होता है कि मार्केट आसपास है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत सारी मार्केट है। यहाँ पे जो अपना जगत फार्म है वो भी पास में ही है, और ये कासने मार्केट में से आप हर चीज़ ले सकते हो। काफ़ी बड़ी मार्केट है, मैंने तो आपको फिर भी थोड़ा सा ही दिखाया था। ये देखिए, यहाँ पे आपको पूजा से, पूजा का सामान, सब्जी, मिठाई, मतलब कुछ भी ले लीजिए आप, कॉस्मेटिक का सामान, जो भी आपको, पिज्ज़ा वगैरह कुछ भी ले लीजिए। काफ़ी बड़ा है, मैंने सिर्फ रास्ते का बनाया था वीडियो। हाँ, थोड़ा सा मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये, कभी भीड़ रहती है, लेकिन अभी हम तो सुबह में गए थे तब तो थोड़ी कम थी। और हलवाई की दुकान, मिठाई वगैरह की दुकान बहुत सारी है यहाँ पे। तो हमने राधा रानी का जो भोग होता है, यानी पेड़े का भोग लगाते हैं, वो हमने लिया था, कुछ और मिठाई वगैरह ली थी। तो यहाँ से थोड़ा सा हमने वीडियो शूट किया था, उसके बाद फिर हमने घर जाके तैयारियाँ की। यहाँ पे कचौड़ियाँ बन रही थी, समोसे बन रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था, तो सभी मिठाई वगैरह मतलब ताज़ा ही थी, और बड़े शुद्ध से, उससे सफाई से बनाते हैं ये, क्योंकि पूजा में यूज़ होती हैं ये, और सारी चीज़ें इनकी दुकान पर बहुत सफाई के साथ बनाई जाती हैं, पूजा पाठ की भी। तो बस हम मिठाई लेके अपने घर की तरफ चलेंगे, और आप सभी को राधाष्टमी की मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आप भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपकी राधाष्टमी कैसी बनी, आप व्रत रखते हो या नहीं रखते हो। लेकिन मेरा मानना है, मतलब मेरा मानना नहीं है, सभी का मानना है, आप वीडियो भी देख सकते हो, जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उनको राधाष्टमी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। यहाँ से मैंने 12 चूड़ियाँ भी ली थी, क्योंकि आज के दिन ग्रीन चूड़ियाँ पहनना शुभ होता है। तो ग्रीन तो नहीं थी, बट हाँ थोड़ी मतलब मिल गई थी, उसमें प्रिंट में मिल गई थी मुझे, तो मैंने 6 चूड़ियाँ ली, बहुत सॉरी 12 चूड़ियाँ ली, 6-6 हाथ में डाल ली। और बस अब हम सोसाइटी तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से वंश ने गाड़ी चलाई थी, क्योंकि वंश भी साथ में आया था, तो इसको ये गाड़ी चलाने के पर्पज़ से ही हमारे साथ आता है। वैसे तो इसका कोई वो नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, लेकिन वंश अभी यहाँ से मैं तैयारी कर रही हूँ इनका स्नान कराने की, राधा कृष्ण जी का। तो यहाँ से हमने इनको पंचामृत स्नान कराया था, मतलब जितना हमसे बन सका था हमने पूरे भाव के साथ किया। मैं ये तो नहीं कहती कि हमने बहुत, हम इतने बड़े भक्त हैं, लेकिन हाँ हमने जो भी किया, जितना हमसे बन सका वो हमने बहुत ही भाव से किया, और बहुत अच्छा लगा हमें करके। और राधाष्टमी का व्रत हम बचपन से ही रखते आ रहे हैं, क्योंकि आपको सबको तो पता ही है कि जब हम छोटे थे तब तो एक होता था ना, मिठाई का लोभ होता था कि मिठाई बनेगी घर में, लेकिन जब धीरे धीरे बड़े होने लगे, समझ में आने लगा तो वो भाव बन गया भगवान के प्रति। तो उस हिसाब से फिर हम राधाष्टमी का भी रखते हैं, ये काफ़ी अच्छा व्रत माना जाता है। और हमारी जो राधा रानी है वो तो है ही, उनकी तो पूरी सरकार ही है, जैसे कहते हैं कि राधा रानी की सरकार, कृष्ण भगवान भी इनके पीछे ही हैं। तो बहुत अच्छे और प्रेम भाव से हमने पूजा पाठ की, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, मतलब पूरा पंचामृत स्नान कराने में, राधा जी को जो भी कुछ था वो हमने सब मिलके ही किया, हमारी पूरी फैमिली ने। मैंने इनके लिए भोग बनाया, राधा रानी को भोग में सबसे प्रिय अरबी है, तो मैंने अरबी की सब्जी बनाई, सूखी वाली आलू की सब्जी बनाई, मीठे में मैंने ये जो इनका प्रिय भोग है पेड़े का, वो भी मैं लेके आई। तो जितना बन सका वो हमने बड़े ही प्रेम भाव से किया। और यहाँ पे हमने आरती कर दी है, बस अब मैं इनके भोग लगाने की तैयारी कर दी हूँ। मैंने पूड़ी, आलू की सब्जी, अरबी की सब्जी, पेड़े का भोग लगा दिया है। आप लोग भी प्रसाद पाइए, मैं आपको दिल से आमंत्रित करती हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।